ओम श्री सतनाम साखे जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज के पावन प्रसंगों का अपूर्व संकलन सत्संग वर्खा भाग 20 पार्ट 2 खेत को हरा भरा कर दिया। परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज का एक प्रेमी जिसका नाम था भागचंद, वो एक बार महाराज जी को अपने खेत में ले गया। वहां उसने महाराज जी से प्रार्थना की कि साईं, प्रतिवर्ष कपास में खेती बहुत अच्छी होती थी, किंतु इस वर्ष कुछ ऐसे कीड़े लग गए हैं जो फूल लगते ही झड़ जाते हैं। मैंने कई उपाय किए हैं लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। यदि ऐसा रहा तो मेरा किया कराया सब चौपट हो जाएगा। आज आप कृपा करके यहाँ पधारे भी हैं, आपके चरण कमल यहाँ पड़े हैं, अतः आप ऐसा आशीर्वाद कीजिए जैसे खेत फलता फूलता रहे। भागचंद की ऐसी विनती सुनकर गुरु महाराज जी ने अपनी चिप्पी में से थोड़ा जल अंजलि में भरकर सतनाम साखी कहकर उसके खेत में चारों तरफ छिड़क दिया। महाराज जी की कृपा के फल स्वरूप उसकी खेती दुगनी होने लगी और वो खेती कीड़ों से भी रहित हो गई। बाबा, संतों के आशीर्वाद में बेहद असर होता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।